वेलकम टू निशांति एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग बिस एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग क्या कंप्लीट डिटेल्ड स्ट्रेटजी होनी चाहिए दो महीने की, ठीक है, उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, अगर आप बिस एग्जाम 2024 को टारगेट कर रहे हो तो कुछ चीजें आपको यहाँ पे समझनी जरूरी है। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो चीजें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, जो भी चीजें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, वो बेसिकली पांच पोस्ट के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। एक है पर्सनल असिस्टेंट, दूसरा है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, तीसरा है स्टेनोग्राफर, चौथा है सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और पांचवा है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। मतलब इन पांच पोस्ट के अकॉर्डिंग ही जो भी सिलेबस है मैं आपको वो बताऊंगा, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कहां से नहीं पढ़ना है, सारी चीजें मैं बताऊंगा, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग बिस एग्जाम 2024 के अंदर कुछ चीजें जो बहुत ही क्रूशल है आपको जानना समझना, ठीक है, ताकि आप स्ट्रेटेजी को अच्छे से समझ पाओ। देखो, सक्सेसफुल वो होता है जो एक सही प्लानिंग के साथ उस सही प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो है अपने काम को सही तरीके से इंप्लीमेंट कर पाता है। मतलब आपने स्ट्रेटजी तो बना ली लेकिन आपने उसे फॉलो नहीं करा, और स्ट्रेटजी बना ली लेकिन बिना उसके बेसिक्स को, बिना फंडामेंटल को जाने ही अगर आपने बेसिक्स बना ली तो भी आप सक्सेसफुल नहीं होगे। तो बेसिकली सक्सेसफुल होने के लिए सबसे पहले जरूरी है एक सक्सेसफुल प्लानिंग को बनाना, प्लानिंग करना और फिर उस प्लानिंग को इंप्लीमेंट करना। हो सकता है ये कॉमन है, सभी के साथ होता है, इस पूरी जर्नी से गो थ्रू हो गए तो बहुत बार अप्स एंड डाउन्स आएंगी, बहुत बार कॉन्फिडेंट बहुत डाउन हो जाएगा, बहुत बार कॉन्फिडेंट अप हो जाएगा, कभी होगा पढ़ने का मन करेगा, कभी पढ़ने का मन नहीं करेगा, ठीक है, ये सभी के साथ होता है। इवन हम लोग भी अगर काम करते हैं ना तो कभी लगता है यार ठीक है आज नहीं करने का मन कर रहा, लेकिन जिस दिन करने का मन नहीं कर रहा उस दिन ज्यादा कॉन्शियस, ज्यादा डेडिकेशन दिखाने का समय होता है, ठीक है। तो बेसिकली बेस्ट एग्जाम 2024 को अगर आप टारगेट कर रहे हो तो इन चीजों को अगर आपने ध्यान में नहीं रखा तो आपका प्रिपरेशन बेकार होने वाला है। क्या क्या है, सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा ये जो एग्जाम है वो इंक्लाइन टू बैंकिंग है। अगेन दोबारा से इस वीडियो में फिर से कह रहा हूं कि इंक्लाइन टू बैंकिंग है, कंप्लीटली बैंकिंग नहीं है, ठीक है। बहुत सारे इसके कारण है, बहुत सारे कारण है। आपको एग्जैक्टली बैंकिंग वाला पेपर नहीं देखने को नहीं मिलेगा, उस तरह के डिफिकल्टी लेवल देखने को नहीं मिलेगी, जो क्वेश्चंस के पैटर्न होते हैं वो उस टाइप के देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। लेकिन बैंकिंग की तरफ ये इंक्लाइंड है ये पेपर, यानी कि जो बच्चे बैंकिंग एग्जाम का प्रिपरेशन करते हुए आ रहे हैं उन्हें यहाँ पे एक एज है, उनके चांसेस ज्यादा है कि वो इस एग्जाम को क्लियर कर लें, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि और जो कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो एसएससी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर जिन्होंने अभी अभी स्टार्ट करा है, ठीक है, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो, सब चीज यहां से स्टार्ट होती है, इस दिमाग से स्टार्ट होती है। मैंने अपने लाइफ में देखा एक छोटा सा बच्चा जिसे कुछ नहीं पता, ठीक है, वो हर तरह का रिस्क लेने के लिए तैयार होता है। मतलब उसे देखो कि अगर उसे उतरना है तो बस उसे उतरना है, अब वो चाहे पलंग से उतर रहा हो चाहे वो सीढ़ी से उतर रहा है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसे उतरना है, मतलब उतरना है, चाहे वो गिर जाए, गिरेगा तभी सीखेगा, चोट लगेगी तभी उसे अकल आएगी। लेकिन जो अगर आप जितना ज्यादा दिमाग में रखोगे ना कि यार ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, उतना ज्यादा वो चीज नहीं होता। अब क्लियर शार्प माइंड रखो, मुझे क्लियर करना है इस पेपर को, मतलब क्लियर करना है, ना इसके बाद कुछ आए, ना इससे पहले कुछ आए, ना इसके बीच में कुछ आए, ना मैं आने दूंगा, ठीक है। तब जाकर के इस मेंटेलिटी के साथ, इस एटीट्यूड के साथ आपका ये एग्जाम जरूर क्वालिफाई होगा। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा ये इंक्लाइन टू बैंकिंग है, तो आपको बैंकिंग के अकॉर्डिंग जो है प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। दूसरा, सेक्शनल टाइमिंग यहाँ पे मेंशन करा गया है, तो सेक्शनल टाइमिंग मतलब हर एक सेक्शन को एक पर्टिकुलर टाइम में आपको कवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका जो समय है अभी आपको उसको इस तरीके से अरेंज करना है, जो भी प्रिपरेशन करोगे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स की उसे इस तरीके से प्रिपेयर करोगे कि आपके एक पर्टिकुलर टाइम में जो इन्होंने मेंशन करा है उस टाइम के अंदर आपका वो पोर्शन खत्म हो जाए, ठीक है, उससे पहले ही खत्म हो जाए, ये टारगेट लेकर के चलना है। और अगर पहले खत्म हो गया बहुत अच्छी बात है, नहीं खत्म हुआ तो जिस टाइम में उन्होंने मेंशन करा है एटलीस्ट उस टाइम पे तो खत्म हो ही जाएगा, ठीक है। तीसरा, हाई कट ऑफ लास्ट टाइम गई थी तो इस बार चांसेस है हाई कट ऑफ जाएगी, ठीक है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं जाएगा जितना बार पिछले बार गया। क्यों, कारण क्या है उसका, कारण है प्रिपरेशन की टाइमिंग। पिछले बार इन्होंने प्रिपरेशन का टाइमिंग अराउंड जो है अराउंड 4 मंथ्स का टाइम दिया था इन्होंने, इस बार टाइमिंग बिल्कुल अलग है, क्योंकि लास्ट जो अभी मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मुझे टाइमिंग के बारे में नहीं पता था कि टेंटेटिव टाइमिंग मेंशन करी गई है नोटिफिकेशन में, ठीक है। एक बच्चे ने मुझे बताया कि सर टेंटेटिव टाइमिंग मेंशन करा गया है और ये टाइमिंग कब है, नवंबर में, ठीक है, आपका पेपर जो होगा वो कब होगा, नवंबर में, तो नवंबर स्टार्टिंग में कभी नहीं होगा, नवंबर एंड में होगा, ठीक है, नवंबर एंड में ये पेपर होगा। तो अराउंड अगर समझा जाए, ठीक है, तो आपके पास पूरा, अभी देखो जिन्होंने फॉर्म भर लिया है उनके पास ये तो सितंबर का जो बाकी समय बचा हुआ है वो तो होगा ही, ठीक है, सितंबर का बाकी समय होगा ही 15 डेज में मान के चलता हूं, उसके बाद अक्टूबर है, उसके बाद नवंबर के, ठीक है, नवंबर के आप 20 से 25 दिन मान लो आपके, तो अराउंड बाय ऑन एन एवरेज आपके पास 2 मंथ्स का समय है। इस 2 मंथ के समय में आप बहुत ही अच्छे तरीके से, अगर सिंसियरली अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो ये संभव है, ये पॉसिबल है कि आप इसे क्लियर कर लोगे, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग एग्जाम पैटर्न को समझते हैं। आपका जो एग्जाम होने वाला है इसके अंदर 4 सेक्शन होंगे, जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग का सेक्शन, जिसके अंदर 50 क्वेश्चंस होंगे, 35 मिनट में आपको ये 50 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है।
देखो सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है 35 मिनट्स के अंदर 50 क्वेश्चंस को करके दिखाना, ठीक है, विद एक्यूरेसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। और ये संभव है कब? जब आप एक सटीक वे में एक सही तरीके से आप उसे फॉलो करोगे, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे चलना है। यहाँ पे करंट जनरल अवेयरनेस की बात करें, जनरल अवेयरनेस में 25 क्वेश्चंस होगा जिसे आपको 20 मिनट में करना है। ये बहुत बड़ा कोई 30 मार्क खाने वाला चीज नहीं है। ये 25 क्वेश्चन 5 मिनट में भी हो सकते हैं, बट कंडीशन अप्लाई, आपको क्वेश्चंस आने चाहिए, ठीक है। इसके बाद है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये 25 क्वेश्चंस आपको 25 मिनट में करना है। ये भी एक थोड़ा सा चैलेंजिंग हो गया उनके लिए जिन्होंने अभी ये जस्ट स्टार्ट करा। बाकी एसएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए या जो बैंकिंग प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए है, ये तो हलवा वाली बात होगी। 25 क्वेश्चन 25 मिनट, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कुछ सेकंड्स में ही बन जाएंगे। तो 25 क्वेश्चन 15 मिनट में करने वाले भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और जो जनरल इंग्लिश का सेक्शन है, जनरल इंग्लिश के सेक्शन में आपको 50 क्वेश्चन जो है 40 मिनट्स में करने हैं। ये भी कोई बहुत बड़ा रामबाण नहीं है, आराम से आपका ये कवर हो जाएगा अगर आप सही वे में प्रिपरेशन करते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं यहाँ पे? 150, और 150 मार्क्स है, यानी हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। नेगेटिव मार्किंग 0.25 की है, और आपको 2 घंटे इसके लिए मिलेंगे, ठीक है। ये तो आपका एग्जाम पैटर्न हो गया। थोड़ा सा सिलेबस समझ लेते हैं। ये डिटेल सिलेबस बहुत जरूरी है उन सभी के लिए जो सीरियसली इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो। देखो जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग के अंदर सबसे पहले आपको सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन अच्छे से करने हैं। मतलब पहले तो कॉन्सेप्ट समझ लेना सिटिंग अरेंजमेंट का, क्या कॉन्सेप्ट होता है। फिर जितने क्वेश्चन लगा सकते हो उतने क्वेश्चन लगाने हैं। पजल के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये दोनों चीजें जो है थोड़ी सी इंक्लाइन होती है बैंकिंग के पैटर्न पे, ठीक है। सिलोलिज्म से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ब्लड रिलेशन होगा, कोडिंग एंड डीकोडिंग होगा, ऑर्डर एंड रैंकिंग होगा, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के क्वेश्चन होंगे, क्लॉक एंड कैलेंडर होगा, अल्फा न्यूमेरिक एंड नंबर सीरीज के क्वेश्चन होंगे, और फिगर काउंटिंग होगा, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स हैं जिससे जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग में लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा गया था, इस बार भी इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। देखो जनरल अवेयरनेस के अंदर यहाँ पे जो कोर एरिया है, जिसे आप कह सकते हो जो फंडामेंटल एरिया, जिसे अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आपका पूरा का पूरा जनरल अवेयरनेस प्रिपेयर हो जाएगा, वो है मेरा करंट अफेयर्स, ठीक है। अगर आपने करंट अफेयर्स को बहुत ही अच्छे वे से प्रिपेयर करा, अच्छे वे से मतलब आपने करंट से करंट वाला कंटेंट भी लिया और करंट से स्टैटिक वाला भी कंटेंट निकाल लिया, तो आपको एक्स्ट्रा कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। करंट अफेयर्स के कौन कौन से टॉपिक्स हैं? स्पोर्ट्स, बुक एंड ऑथर, समिट एंड कॉन्फ्रेंस, इंपॉर्टेंट डील्स, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, अपॉइंटमेंट, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, रैंकिंग, रिपोर्ट्स एंड इंडेक्स, यूनियन बजट 2024 और इकोनॉमिक सर्वे 2024। ये दोनों से श्योर शॉट है क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। अब देखो जो करंट अफेयर का जो सेक्शन है, ठीक है, करंट अफेयर्स का सेक्शन है, उससे इतना क्वेश्चन बनेगा। इसके अलावा भी चीजें हैं, जैसे नेशनल न्यूज है, इंटरनेशनल न्यूज है, ठीक है। तो इसके अलावा दो चीजें और आपको पढ़नी है, एक तो नेशनल न्यूज देखते हुए चलना है और इंटरनेशनल न्यूज देखते हुए चलना है, ठीक है, इंटरनेशनल न्यूज देखते हुए चलना है। अब देखो क्या होगा, जब आप इन सारे टॉपिक्स को प्रिपेयर कर रहे होंगे तो उस टाइम में आपको बहुत सारे इनसे जुड़े हुए ऐसे फैक्ट्स मिलेंगे जो स्टैटिक जीके को कवर कर रहे होंगे, ठीक है। आपको उसकी लिस्ट बनाते हुए चलनी है, उसे लर्न करते हुए चलना है, तो आपका स्टैटिक वाला पोर्शन ऑटोमेटिक प्रिपेयर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सेक्शन पे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर आपको नंबर सिस्टम, एवरेज, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम, वर्क एंड वेजेस, प्रॉब्लम ऑन एज, पार्टनरशिप, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड डाटा रिप्रेजेंटेशन के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगेन अब चूंकि बार बार मैंने ये कहा हुआ है कि बैंकिंग पैटर्न की तरफ ये इंक्लाइंड होगा, कंप्लीटली बैंकिंग नहीं होगा, उसका एक कारण ये है कि आप देखोगे डाटा रिप्रेजेंटेशन बैंकिंग के एग्जाम में भर के पूछता है, ठीक है। यहाँ पे लास्ट टाइम जो बैंकिंग का एग्जाम हुआ था उसमें से 4 से 5 क्वेश्चन आपका डाटा इंटरप्रिटेशन से पूछा गया था, तो इसी से ये बात क्लियर हो गई कि बहुत ज्यादा बैंकिंग की तरफ नहीं घुसना है कि यार बैंकिंग का पेपर ले लिया, प्रीवियस क्वेश्चन ले लिया और उसे सॉल्व करना शुरू कर दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि बेस एग्जाम ने अपलोड करने का ऑप्शन नहीं दिया, प्रीवियस क्वेश्चन पब्लिश नहीं करा पब्लिकली, तो यहाँ पे क्या है, आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो आपको क्या चाहिए? सैंपल पेपर्स चाहिए जो इस एग्जाम के अकॉर्डिंग हो। आप सोचोगे कि बैंकिंग के डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के मैं अगर सॉल्व कर लेता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो ओवरऑल आपका इस एग्जाम का प्रिपरेशन हो जाएगा, तो ये गलत है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे प्रिपरेशन नहीं होगा, आपको इसके अकॉर्डिंग फिर प्रिपरेशन करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश के अंदर पैसेज से क्वेश्चन होगा, फिलर्स या फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन होगा, सेंटेंस अरेंजमेंट, इनहेरिटेड डिक्शन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एक्टिव एंड पैसिव एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ये सारे टॉपिक्स हैं जहां से जनरल इंग्लिश के अंदर क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। अब देखो अगर आप स्ट्रेटजी के बारे में बात करना चाहते हो कि स्ट्रेटजी सर कैसी होनी चाहिए, तो ऑन एवरेज आपको ये स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। फर्स्ट मंथ नो डाउट, चाहे आप एवरेज स्टूडेंट हो या फिर बिल्कुल जीरो हो, ठीक है, या फिर आपको लगता है कि यार नहीं मुझे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और अच्छे से ग्रिप करना है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऑन एवरेज 1 मंथ रखा हुआ है। आप अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के अकॉर्डिंग, मतलब आपकी क्या स्ट्रेंथ है क्या वीकनेस है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेना। अगर ये कम हो रहा है तो कम कर लेना, अगर बढ़ा सकोगे
तो कोशिश करना बढ़े, ये बढ़े नहीं, एक महीने से ज्यादा ना हो, एक महीने के अंदर अंदर आपका ये जो स्लॉट है ये पूरा खत्म हो जाए। देखो एक महीने में आपको करना क्या है, फर्स्ट 30 डेज में आपको सबसे पहले हर एक सब्जेक्ट का, जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इन दोनों का कॉन्सेप्ट प्लस टॉपिक वाइज प्रैक्टिस टेस्ट ये करना है, ये कवर करना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस करते जाने हैं। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जैसे हर एक टॉपिक आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, रीजनिंग पे आते हैं, रीजनिंग पे आ रहे हैं, ठीक है, रीजनिंग का देखो यहाँ पे जैसे सेटिंग अरेंजमेंट, आपने इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा, तो इस पे बेस आप जितने क्वेश्चंस लगा सकते हो डिफरेंट टाइप के वो क्वेश्चंस लगा लो, तो आपका ये क्या हो गया, ये आपका टॉपिक वाइज ये प्रिपेयर होता गया पूरे अच्छे से। मतलब ये पता चल जाएगा जैसे ही आपने कॉन्सेप्ट कवर करा किसी भी टॉपिक का, उसके बाद आप टेस्ट देते हो तो आपका ये पता चल जाएगा ना आपको कि आप कितने पानी में हो या फिर आपका कॉन्सेप्ट कितने अच्छे से क्लियर हुआ। तो ये चीज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि कॉन्सेप्ट ना समझ करके ये उन्हें लगता है कि भाई ठीक है डायरेक्ट अगर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा करके सॉल्व करना शुरू कर दें या मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दें तो मेरा ओवरऑल प्रिपरेशन हो जाएगा। कभी नहीं होता इस तरह से। ठीक है, आप बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सीनियर से डिस्कस करते हैं कि भैया कैसे तैयारी करें, तो एक प्रॉपर सही गाइडेंस की जगह पे वो लोग कहते हैं कि यार कुछ नहीं है, आप प्रैक्टिस करते जाओ, मॉक टेस्ट लगाते जाओ, आपका ओवरऑल प्रिपरेशन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं होता। सबसे पहले आपको उसके ग्रिप में उतरना पड़ता है, आपको समझना पड़ता है क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे क्लियर होगा, क्या क्या चीजें होती है इसके अंदर। ठीक है, तो जो पहला महीना है उसमें क्या करना है, जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इन दोनों का हर एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, पता होना चाहिए क्या शॉर्टकट्स होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, और उसमें बेस आपको टॉपिक वाइज टेस्ट प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, ये पहला महीना। इसके साथ साथ जो इंग्लिश ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर के अंदर जो ग्रामर के इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, ठीक है, ये सारे रूल्स आपको लर्न होने चाहिए और प्लस आपको इन रूल्स पर बेस्ड ग्रामर बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उसकी प्रैक्टिस करनी है दबा के। ठीक है, मतलब पूरे अच्छे से आपको ये करना है। जनरल अवेयरनेस को आपको स्टार्टिंग से ही क्या लेकर चलना है, डेली 25 क्वेश्चंस आपको करने हैं करंट अफेयर्स के। ठीक है, डेली 25 क्वेश्चन, आप कहीं से भी प्रिपरेशन करो, चाहे आप किसी कोर्स के अंदर रजिस्टर्ड हो, कोई मतलब नहीं है, आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, आप यूट्यूब की वीडियोस देख करके प्रिपरेशन कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप कहीं से भी प्रिपरेशन करो लेकिन डेली आपको करंट अफेयर्स के 25 क्वेश्चंस करने हैं, और जो आप 25 क्वेश्चंस करोगे उनसे जितने रिलेटेड स्टैटिक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं उसे भी साथ में प्रिपेयर करते चलो। ठीक है, मैं गारंटी लेता हूं अगर आप इस तरीके से, अगर आपने जितना जो ड्यूरेशन है इस एग्जाम का अगर आपने इसे फॉलो कर लिया, ठीक है, इस चीज को फॉलो कर लिया, तो जनरल अवेयरनेस के अंदर जो करंट अफेयर होगा वो आपका 100% सही होगा। ठीक है, मतलब 100% आप सारे अपने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सही करके आओगे, प्लस स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चन जो है आप अच्छे से करके आओगे। क्यों? क्योंकि आप दोनों को वैल्यू दे रहे हो, करंट अफेयर्स को भी वैल्यू दे रहे हो और उसी से जो है स्टैटिक के क्वेश्चन निकाल रहे हो। जनरली मोस्ट ऑफ द एग्जाम में यही करा जाता है कि करंट अफेयर्स से जुड़े हुए जितने स्टैटिक पोर्शन है उनसे क्वेश्चंस लिए जाते हैं स्टैटिक के पोर्शन में, तो आपका यहां भी वही चीज है। ठीक है, बाकी जो नेक्स्ट मंथ होगा, नेक्स्ट मंथ का जो 15 डेज है उसमें आपको क्या करना है, जो टॉपिक आपने प्रिपेयर करे हैं उस पे बेस, जिस तरीके का आपको बोला गया है कि जितने टाइम के अंदर जितने क्वेश्चंस करने हैं, जैसे अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो 50 क्वेश्चंस आपको करने हैं कितने मिनट में, 35 मिनट में, 35 मिनट्स में आपको, 35 मिनट्स में आपको 50 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, 35 मिनट में आपको 50 क्वेश्चंस करने हैं, तो आपको इस तरीके का आपको एक टेस्ट ढूंढना पड़ेगा जहां पे आपको इस तरीके का मॉड्यूल बना हुआ हो, या फिर अगर आप ऑफलाइन किसी बुक से या प्रैक्टिस बुक से आप ये टेस्ट दे रहे हो तो टाइमर लगा लेना 35 मिनट का, और 35 मिनट में आपको 50 क्वेश्चंस करने हैं एनी हाउ। ठीक है, रीजनिंग के अकॉर्डिंग आपका सेम जो है क्वांट का होगा, 25 क्वेश्चंस 25 मिनट में खत्म करने हैं आपको। ठीक है, देखो जो फ्रेशर है, ठीक है, उनसे एक दिन में ये चीज पॉसिबल नहीं है, आप सोचोगे रातों रात मेरे पास ये टैलेंट आ जाएगा कि मैं 25 क्वेश्चंस को 10 मिनट में कर रहा हूँ या 15 मिनट में कर रहा हूँ, या फिर आपने किसी को देखा कि यार ये तो 17 मिनट में इसने 25 क्वेश्चंस कर लिए, या फिर रीजनिंग के क्वेश्चंस जो है 35 मिनट में है किसी ने, मान लो 25 मिनट में 50 क्वेश्चंस खत्म कर दिए, तो आपके पास जो है वो तुरंत रातों रात नहीं होगा, उस बच्चे ने प्रैक्टिस करी है बहुत दबा करके तब जाकर ये हुआ है। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है, आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए जब भी आप प्रिपरेशन करते हो, क्योंकि अगर आप इस चीज को ध्यान में नहीं रखोगे तो डीमोटिवेट बहुत ज्यादा हो जाओगे, और जो बहुत ही हानिकारक है, क्योंकि जैसे ही आप डीमोटिवेट होते हो आपका दिमाग काम नहीं करता, सद्बुद्धि आपकी वहां पे खत्म हो जाती है, और जहां सद्बुद्धि खत्म होती है प्रेशर क्रिएट होता है, तो वहां पे पता चलता है कि आते हुए क्वेश्चंस भी आपके नहीं बन रहे, क्योंकि दिमाग पर प्रेशर है, वो सोच ही नहीं पा रहा उस प्रेशर की वजह से। ठीक है, सो यहाँ पे हमेशा ध्यान में रखना कि जो टाइम बाउंड प्रैक्टिस सेट्स आपको लगाने हैं, टाइम बहुत जरूरी है, टाइम के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस सेट लगाने। ठीक है, आप 15 दिन लगाओ, आपके पास ज्यादा समय है तो अगर नहीं हो रहा है 20 दिन लगा लो, ये सबसे जरूरी है। ठीक है, आपको क्या करना है, इसके साथ से जो इंग्लिश के आपको प्रैक्टिस सेट्स लगाने हैं मैं आपको बुक सजेस्ट करूंगा, अगर आपने किसी का कोर्स नहीं लिया हुआ है, किसी भी टाइप का कोर्स नहीं लिया हुआ है, खुद से प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मैं आपको यहाँ पे एक दो बुक सजेस्ट करूंगा, बहुत अच्छी बुक्स है, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो, और साथ में आपको वोकैबुलरी स्टार्ट करनी है। वोकैबुलरी
वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो इंग्लिश में यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इस चीज को आपको फॉलो करता है आपको लास्ट तक, मतलब एंड, मतलब जिस दिन एग्जाम है उससे उसकी पहली रात तक आप इस चीज को फॉलो करिए, ठीक है, रिविजन करते हुए चलना है, ठीक है, कोशिश करना ये नहीं कि बस करते हुए जा रहे हो डेली बेसिस पे, पुराना वाला रिविजन भी नहीं कर रहे हो, ठीक है, वो चीज नहीं होना चाहिए इसमें, रिविजन का भी आपको टाइमिंग मेंशन करना है। मैंने आपको यहाँ पे एक ओवरऑल आपको एक यहाँ पे प्रिपरेशन बताने की कोशिश करिए, एक स्ट्रेटेजी बताने की कोशिश करिए, आपको इसे अपने अकॉर्डिंग आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, कितना टाइम आपके पास है, ठीक है, आप वर्किंग हो नॉन वर्किंग हो उसके अकॉर्डिंग आप इस चीज को मॉडिफाई कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट 15 डेज की बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट 15 डेज मतलब 15 दिन आपने अगर टाइम बाउंड प्रैक्टिस कर लिया तो इन दो जो टाइम्स जो आपका यहाँ पे है, ठीक है, इसे तो छेड़ना नहीं है, ये एज इट इज चलेगा, ये भी एज इट इज चलेगा, ठीक है, बाकी का जो टाइम बच रहा है उस पर आप डेली बेसिस पे एक टेस्ट लगाओ, ठीक है, डेली बेसिस पे आप एक टेस्ट आपको लगाने हैं, अगर आपके पास 15 दिन से ज्यादा है, ठीक है, या 15 दिन से कम बचे हैं तो पैनिक नहीं होना है, ठीक है, आपको डेली बेसिस पे बस एक टेस्ट लगाने आपको दिमाग में रखना है कि मेरा ओवरऑल प्रिपरेशन हो गया है और डेली बेसिस पे आपको एक टेस्ट लगाने हैं और उसका एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे एनालाइज करना, भले ही एक दिन में एक टेस्ट नहीं हो पा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिना एनालिसिस किए कि आपका जो है वीक पॉइंट कहां पे है, आपकी कमी कहां पे रह रही है, अगर आप उस चीज पे वर्क नहीं करते तो इस मॉक टेस्ट को लगाने का कोई मतलब ही नहीं बनता, तो ठीक है, तो डेली बेसिस पे आपको एक टेस्ट लगाने हैं, उसे एनालिसिस करना है, अपनी कमियों को समझना है, पहचानना है, फिर उस पर वर्क करना है, फिर नेक्स्ट डे फिर से प्रिपेयर होने की भाई इस बार तो वो चीज मैं हासिल कर लूंगा जिसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपना ये स्ट्रेटेजी लेकर के चलना है। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स की बात करते हैं, जैसे रीजनिंग के अंदर जो है एस चंद की बुक आती है, आर एस अग्रवाल की, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, ठीक है, आप इस बुक से प्रिपरेशन करिए, होपफुली अगर आप बैंकिंग के एस्पिरेंट हो या एसएससी के एस्पिरेंट हो तो आपके पास ये बुक होनी चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बुक होती है, ठीक है, और अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो मैं लिंक दे रहा हूँ अमेजन का, आप वहां से परचेज कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन मार्केट से भी आप उसे ले सकते हो। क्वांट की अगेन एस्ट्रेंथ की ही बुक आती है आर एस अग्रवाल की, ये भी बहुत प्यारी बुक है, अगर आपने किसी का कोर्स ज्वाइन नहीं करा है, अगर आप यूट्यूब पे फ्री वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड हो, ठीक है, तो आप इस बुक को छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो, नहीं तो अगर ले लोगे तो बेटर होगा, कहीं ना कहीं आपका यूज हो जाएगा, बहुत अच्छी बुक है, ठीक है, ये भी इंग्लिश की दो बुक्स आपको पढ़नी है, ठीक है, एक है एमबी पब्लिकेशन की और दूसरा है मेरा मिरर ऑफ कॉमन एरर, ठीक है, ये मिरर ऑफ कॉमन एरर आपको स्टार्टिंग के जो 15 डेज मैंने आपको बताया था, 15 डेज या 1 मंथ तक आपको जो ग्रामर रूल्स एंड प्रैक्टिस बेस्ड जो है प्रैक्टिस करना है ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस के, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में जो सबसे ज्यादा मिस्टेक्स देखने, यहाँ पे मैंने आपको एक महीना दिया हुआ है, ठीक है, एक महीना का मैंने इसे लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि ग्रामर रूल्स सिर्फ आप लर्न कर लोगे आप बोलोगे कि बस ये यूज हो जाएगा, मैंने पढ़ लिया है, मुझे सारे रूल्स पता है, रट लिए हैं, अब जैसे ही क्वेश्चन आएगा मुझे पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पे मिस्टेक है, मैं मार्क करके आ जाऊंगा, ठीक है, इस तरीके से नहीं होता, आपको चीजें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। एक बार क्या हुआ था, ऐसे ही मुझे लगा मैंने 10-15 रूल्स लर्न किए, मुझे लगा कि यार जब मैं स्टार्टिंग फेज में था अपने, तो मुझे लगा कि यार अब तो ठीक है, मतलब ये 15 रूल्स में जब क्वेश्चन आएंगे तो मैं उसे पकड़ लूंगा, ठीक है, लेकिन जब क्वेश्चन आते हैं ना तो उस समय इतना प्रेशर रहता है कि दिमाग काम नहीं करता आपका, आपको लगेगा यार कौन सा मिस्टेक है, कौन सा रूल लगेगा वहां पे, और आप सोचोगे कि यार ये रूल लग जाएगा लेकिन वहां पे कुछ और हो जाता है, तो इस पे प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखो प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, अभी मैंने बोला, ठीक है, तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है करना, बिना प्रैक्टिस के आप सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते, ठीक है, खासकर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। तो इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पे एमबी पब्लिकेशन की आपको एक बुक लेनी है और साथ में मिरर ऑफ कॉमन एरर की बुक लेनी है, ठीक है। जीए की बात करें जनरल अवेयरनेस की, इसकी आप कोई भी वाईटी जो यूट्यूब पे वीडियोस है डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स की, आप वहां से प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। बात करते हैं निशांत अकेडमी के कोर्सेस में, अगर आप इंटरेस्टेड है तो एक्चुअल जो कोर्सेस है वो 999 रुपीज का है, लेकिन आप लाइन दिख रही है कि अगर आप इस कोर्स को जो है 30 सितंबर से पहले अगर परचेज करते हो तो आपको इस पे एक स्पेशल जो है डिस्काउंट मिलता है, और ये आप 449 पे आप इसे परचेज कर सकते हैं, 499 पे आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। यहाँ पे है क्या, यहाँ पे आपको हर एक सब्जेक्ट के ऊपर में कॉन्सेप्ट वीडियोस, टॉपिक वाइज टेस्ट और प्रैक्टिस टेस्ट, आपको तीनों चीजें यहीं पे मिल जाएगी, आपको कुछ एक्स्ट्रा परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करंट अफेयर्स से रिलेटेड मैं आपको डेली बेसिस पर 25 क्वेश्चंस करवाऊंगा, साथ में इसका स्टैटिक पार्ट कवर करता हुआ, ठीक है। इसकी क्लासेस अभी स्टार्ट नहीं हुई है, बाकी जो कॉन्सेप्ट वाइज वीडियोज हैं जैसे रीजनिंग हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, इसकी रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी, और भी अगर डाउट्स होंगे जो अगर आप इस कोर्स को खरीद रहे हो तो आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिखेगा, ठीक है, व्हाट्सएप पेड ग्रुप है ये, मतलब नॉर्मली ये नहीं दिखेगा, जिन बच्चों ने कोर्स परचेज करा हुआ है उन्हीं को ये व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिखेगा, आप इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, किसी भी तरह का कोई भी डाउट होगा आपको सब्जेक्ट वाइज से रिलेटेड या करंट अफेयर्स, मतलब इस कोर्स में कुछ भी अगर किसी भी तरह का डाउट हुआ तो आप ये व्हाट्सएप से मुझे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। सारे बच्चे जो जो बेस एग्जाम का प्रिपरेशन करेंगे वो सभी यहीं पे आकर के इसी ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इस कोर्स में तो निशांत अकेडमी एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करिए या फिर nishantakademy.com साइट पर विजिट करिए। एक और इंपॉर्टेंट बात, जो बच्चे बेस एग्जाम फुल पैकेज का कोर्स ले रहे हैं उन्हें मॉक टेस्ट अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको इसी कोर्स के अंदर मॉक टेस्ट जो 20 मॉक टेस्ट है फुल लेंथ मॉक टेस्ट वो भी आपको इसके अंदर इंक्लूड मिलेगा। इस वीडियो में यही बताना था, थैंक्स फॉर वॉचिंग this video and wish you good luck for it, people.